मामले में राजनीति हुई है उनके साथ, और वक्त आने पर आप लोग को सभी पता ही चल ही जाएगा कि क्या हुआ। कहां तक सही है? गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एक पत्रकार पे रासुका जैसे कानून का उपयोग पुलिस करती है, ये बिल्कुल गलत है। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुसार सभी को प्राप्त है, और इसमें वो उन पर रासुका लगाई गई है, उसका मैं विरोध करता हूँ। बताइए तो इसका, इसको मुआवजा देना चाहिए सरकार को। 5 लाख रुपया मुआवजा दिया तो है। बहुत कम है 5 लाख। आपकी जान की कीमत 5 लाख है क्या? यह तो सरासर अन्याय है। और बजरंग दल के जो भी हिंदू संगठन हमारे हैं, हिंदू भाई बहन हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार होगा उसके खिलाफ हम लोग बोले। इसका सब किस तरह से सर इस शोभा यात्रा को देख रहे हैं? ये शोभा यात्रा हमारे हिंदू एकता का प्रतीक के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। जिस प्रकार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हनुमत जन्मोत्सव में शोभा यात्रा निकालने पर कार्रवाई बिहार सरकार के द्वारा हुई है, वो सरासर गलत है। इसका विरोध हम लोग करने के लिए और हनुमत जन्मोत्सव मनाने के लिए हम लोग निकले हैं। हम लोग भारत देश के वासी हैं, और भारत देश में हम लोग हनुमत जन्मोत्सव नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान में मनाएंगे? सर, जैसे सरकार का कहना है कि जिस तरह राम जन्मोत्सव में शोभा यात्रा निकाला गया था, वहाँ पे दंगा का माहौल हो गया था, क्या कहना? दंगा कौन किया था उसकी खोज करे सरकार और उसको दंड दे। और जितने भी लोग सर दिखाए जा रहे हैं कि बजरंग दल के हिंदूवादी, ज्यादातर लोगों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये सरासर सरकार के द्वारा किया जाने वाला अन्याय है। और जब तक दोनों पक्षों को, आप केवल बजरंग दल को दोषी ठहरा रहे हो, ऐसा क्यों? बहुत सारे तो और अन्य धर्मों के लोग भी उन लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ऐसे भी वीडियो आ रही है, आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? सरकार सरासर गलत कार्य कर रही है हम हिंदुओं के प्रति। हम एक हिंदू के घर पे गए थे, उनके बेटे को गोली लग गई और वह मर गए थे। बताइए तो इसका, इसको मुआवजा देना चाहिए सरकार को। 5 लाख रुपया मुआवजा दिया तो है। बहुत कम है 5 लाख। आपकी जान की कीमत 5 लाख है क्या? यह तो सरासर अन्याय है। और बजरंग दल के जो भी हिंदू संगठन हमारे हैं, हिंदू भाई बहन हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार होगा उसके खिलाफ हम लोग बोले। इसका सबकी गिरफ्तारी को किस तरह देखेंगे? ये राजनीतिक मामला है, इस पे हम नहीं कुछ बोल सकते। ये राजनीतिक उसका मामला, राजनीतिकरण कर दिया गया है। राजनीतिकरण कर, हाँ हाँ, मनीष कश्यप मामले में राजनीति हुई है उनके साथ, और वक्त आने पर आप लोग को सभी पता ही चल ही जाएगा कि क्या हुआ। वो अगर कसूरवार है तो सरकार दंड दे, और कसूरवार नहीं होगा। एनएसए लगाना कहां तक सही है? गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एक पत्रकार पे रासुका जैसे कानून का उपयोग पुलिस करती है, ये बिल्कुल गलत है। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुसार सभी को प्राप्त है, और इसमें वो उन पर रासुका लगाई गई है, उसका मैं विरोध करता हूँ। एनएसए नहीं लगाना चाहिए था, ठीक है, उन्होंने गलत किया, उसकी सजा हो, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी गलती नहीं की कि उन पर एनएसए लगाया जाए। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, क्या आपको लगता है जिस तरह से सिर्फ हिंदूवादी लोगों को ही पुलिस, बिहार पुलिस ने पकड़ा है, 5-6 लोगों के बारे में जानकारी दी है, घर भी कुर्की किया जा रहा है और दूसरे धर्म के लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा है, ये सरासर सेकुलरिज्म का ये दुरुपयोग है। भारत के संविधान में जो अधिकार उनको प्राप्त है, वो अधिकार हमें भी प्राप्त है। हमें भी शोभा यात्रा निकालने का, उनको भी शोभा यात्रा निकालने का अधिकार है। ये शोभा यात्रा आपने जो निकाला, ये कहां से कहां तक ये शोभा? ये आर ब्लॉक से महावीर मंदिर में जाके, पटना के महावीर मंदिर में हम लोग हनुमान जी की आराधना करके इसका समापन करेंगे। आर ब्लॉक से स्टार्ट होके आप देख लीजिए, हम सामने आपको दिखा रहे हैं, सामने यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर होगा हनुमान मंदिर की दूरी, वहीं पे जाके इस शोभा यात्रा का समापन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जैसा कि महंत जी ने बोला कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं रामनवमी की शोभा यात्रा, जिस तरह से वहाँ पे उपद्रव मचा और जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों को गिरफ्तार किया गया, इनका कहना था कि सरकार सेकुलरिज्म का चोला उड़े हुए सिर्फ एक तबके को गिरफ्तार करना कहीं ना कहीं ये गलत है। दूसरी तरफ जब हमने इनसे बात किया पत्रकार मनीष कश्यप जी के बारे में, तो इन्होंने बोला कि उसकी राजनीति हुई है, रासुका लगाना कहीं से भी सही नहीं है एक पत्रकार के ऊपर, और ये बोल रहा है कानून अपना काम करेगी।